हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिखाएंगे हम आपको इस पटियाला सलवार को बनाना। इसको हमने 3 मीटर कपड़े से बनाया है। आप देख ही सकती हैं, इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है और इसे आप पटियाला कुर्ती के साथ किसी के साथ भी बना सकती हैं। काफ़ी सुंदर लगती है ये पटियाला सलवार। ये देखिए, बैक से भी इसका आप देख सकते हैं प्लेटें बहुत अच्छे से आई हैं और फ्रंट से भी इसकी प्लेटें एकदम अच्छी। तो फ्रेंड्स, सैंटून का कपड़ा है ये। अब स्टार्ट कर लेते हैं कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हमने जो कपड़ा लिया है इसको 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। तो ये 3 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले फ्रेंड, जितनी भी आपको अपनी सलवार की लेंथ रखनी है, जैसे मुझे 40 की रखनी है, अब मैं 40 इंच में से 8 इंच माइनस कर दूंगी तो मैं 41 इंच ले रही हूँ मार्जिन लगा के, क्योंकि हमें 1 इंच मार्जिन भी चाहिए। तो मैंने 41 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है बेल्ट का निकाल के, और कपड़ा 4 फोल्ड में है। अभी सिर्फ इसको कट कर लेते हैं, बाद में हमें इसमें से कपड़ा कम करना है। तो आपकी जो भी मोहरी है, तो मैं बंद वाली साइड से बचा रही हूँ कपड़ा ताकि हमारा मोहरी में यूज़ हो जाए। इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे। आपकी जितनी भी मोहरी की चौड़ाई है उसमें आप 2 इंच और ऐड कर लें। जैसे हमारी है 6.5 इंच के बराबर, तो हमने यहाँ से 8 साढ़े 8 के बराबर ले लिया है। अब इनको हम कट कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए, हमारा इतना कपड़ा बच गया जिससे हम अपनी सलवार में जोड़ भी लगा सकते हैं और अपनी मोहरी भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पार्ट आ गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो यहाँ तक हो गया। अभी फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। अगर आप इलास्टिक लगाना चाहते हो तो 8 इंच तो आपको तैयारी लेना है और उसमें 2 इंच और ऐड करना है। मैं 2 तरीके बताऊंगी। तो आपको कितना लेना है, 10 इंच लेके और ऐसे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि कुछ लोग सलवारों में सिर्फ इलास्टिक डालना ही पसंद करते हैं। लेकिन मैं इसमें क्या डालूंगी, मैं डालूंगी नाड़ा। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 8 इंच पे, 8 इंच तैयार रहेगी, उसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से हमारा ऐसे एक लाइन बना देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारी बेल्ट भी कट जाएगी और जो हमारी कमर है उसमें, जितनी भी कमर है उसमें 5 इंच और ऐड करके हम अपनी बेल्ट की लंबाई लेते हैं। तो मुझे 22 इंच चाहिए, तो ये थोड़ी कम है, तो मैं जो बचा कपड़ा है उसमें जोड़ लूँगी। अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिछाएंगे। ये देखिए, 2 तह में बिछा लिया है कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना आसन का निशान लगाएंगे। आसन निकाल के अपना जो भी सॉरी बेल्ट का निकाल के, 8 इंच पर बेल्ट आ रही है तो हम 8 इंच और, तो टोटल हमारा ये 16 इंच पे रहेगा। अब यहाँ से भी हम 8 इंच, तो 16 इंच का हमारा आसन है इस सलवार में। अब ये दोनों कोनों पे लगाने के बाद, अब इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ ऐसे इंच टेप को आप तिरछा देख लीजिए और इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको फिर ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो मोहरी की कटिंग है वो इस तरीके से होगी। तो मैंने इनको कट कर दिया है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको कट कर देना है। तो हमारी ये 4 कलियाँ निकल जाएंगी, 2 कली एक साइड से, 2 कली एक साइड से। ठीक है, तो कलियां 4 होती हैं, पार्ट हमारे 2 होते हैं। अब बस इसको सीधा ही कट कर दीजिए दूसरे आसन तक। अब हमारा जो एक तो आसन वाली साइड आपको बंद मिलेगी और एक कली वाली साइड आपको बंद मिलेगी। अब उनको आप अलग कर लीजिए, ऐसे दोनों को अलग कर दीजिए। अब इनको सिलाई करेंगे, तो सिलाई कैसे करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको अपना पार्ट लेना है और पार्ट के साथ आपको कली को, ये देखिए, इस तरीके से रख लेना है ऐसे। तो ये हमारी कली और पार्ट बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अगर आपकी कली थोड़ी ऊंची है आपके पार्ट से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सलवार फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन कली आपकी पार्ट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। ऊंची भले ही हो पर बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारे इस तरीके से मैं रख रही हूँ ना, सेम हमें ऐसे ही इनकी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने इन कलियों को सिल लिया है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको रख के दिखाया था उसी तरीके से हमने पार्ट के साथ दोनों कलियों को अटैच कर दिया है। देखिए, बीच में पार्ट है और एक कली हमने इस साइड और एक कली इस साइड में, आपको रॉन्ग साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कली में इतना इतना कपड़ा दबाना है जितना मैंने दबाया हुआ है, आधा आधा इंच दोनों साइड को। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, प्रेस वगैरह करती हूँ तो अच्छे से बैठ जाती है प्रेस। ठीक है, तो हमने दोनों कलियों को सिल लिया है, मतलब दोनों पैर की कलियों को। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि दोनों को हमें ऐसे सीधी साइड से रखना है इस तरीके से। ठीक है, अभी हम इसका बैक आसन सिल लेंगे, ये वाला आसन यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ये पीछे वाला आसन भी सिल के तैयार कर दिया है। अब आपको ये इस तरीके से दिखेगी, जैसे देखिए ये तो आसन सिल रहा है। ठीक है, और ये जो हमारी कलियां वाली साइड है वो इस तरीके से रहेंगी। इस पूरे कपड़े की प्लेट डालेंगे और यहाँ पे नीचे हमारी मोहरी बनेगी। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ पे हम 3-3 इंच का निशान लगाएंगे प्लेट्स के लिए। ये बॉक्स प्लेट और ये सीधी साइड को ही लगेगा निशान, ध्यान रखें आप। ठीक है, 3 इंच इधर से, 3 इंच इधर से। अब इस प्लेट को उठा के हम ऐसे रख देंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे। ठीक है, अब ये भी प्लेट भी उठा के हम ऐसे यहाँ पे करेंगे और पिन लगा देंगे। तो ये हमारी 2 बॉक्स प्लेट डल के तैयार हो जाएंगी। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बाय चांस आसन आपका इस तरीके से आ रहा है, जैसे इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या, यहाँ से देखिए इस तरीके से इसमें आप हल्की सी गोलाई करके ये हिस्सा कटिंग करना है बस।
आगे तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ यहाँ से और ये कोने तक कटिंग कर देना है, ठीक है, ताकि ये दोनों आसन वाली साइड बराबर हो जाएं। अभी हमें देखना है कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो कितने में डलेंगी और कहाँ तक हमारा कपड़ा छूटेगा। जैसे कि हम निशान लगाएंगे अपनी बेल्ट में, तो ये हमारी बेल्ट है, इसमें भी मैंने कपड़ा जोड़ लिया है जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम अपनी बेल्ट का सेंटर निकालेंगे, यहाँ से इसको सेंटर से हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये इसकी सेंटर का निशान होगा बेल्ट को मोड़ने के बाद, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्लेट्स को कहाँ से और कहाँ तक डालना है, कितना कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ से हमारा कपड़ा छूटेगा, वो छूटेगा हमारा लगभग यहाँ से 9 इंच कपड़ा, यानी 18 इंच, 9 का डबल हो जाएगा 18। और मैं ये भी बताऊंगी कि प्लेट्स कहाँ से कहाँ तक डलेंगी, तो प्लेट्स हमारे इतने कपड़े में डलेंगी, यहाँ से 13 इंच, ठीक है। यहाँ से 13.5 इंच बैठ रहा है वैसे ही, तो 13.5 इंच इधर से और 13.5 इंच हमारा, ये 13.5 इंच इधर से बैठ रहा है। और जो मैंने बताया आपको प्लेट्स यहाँ से और यहाँ तक खाली सिलाई लगेगी, जो बैक की प्लेटें हैं वो डल चुकी हैं, तो टोटल 18 इंच कपड़ा बैठ रहा है, क्योंकि 9-9 इंच हमें। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस बेल्ट को ऐसे रख लेना है उल्टा करके ऐसे, और यहाँ से ये सेंटर, ये है सेंटर इसका, ये तो हमारी सलवार का बैक का सेंटर है, ठीक है, और ये हमारी बेल्ट का है। तो हमें दोनों को यहाँ से पिन लगा के ले लेना है ऐसे, और ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगेगी, खाली सिलाई, कोई भी प्लेट नहीं डलेगी, जो प्लेट थी वो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक भी पिन लगा देंगे। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे जब हम मशीन पे बताएं। तो अब देखिए ये हो गई हमारा यहाँ तक काम कम्प्लीट, ठीक है। अब हमारा देखिए इतना सारा कपड़ा बच रहा है आपके सामने। अब हमें जो प्लेट्स डालनी है वो आसन वाली साइड को ऐसे मुँह करके डालनी है इस तरीके से, ठीक है। प्लेट्स का जो मुँह होगा वो आसन वाली साइड को होगा ऐसे, और हमें जितना भी हमारा बेल्ट का कपड़ा है वो हमें इतने ही कपड़े में 13.5 इंच में ही एडजस्ट करना है। ये जितना भी कपड़ा है इस साइड से भी इस तरफ मुंह करना है जिधर आसन है, और ये दूसरी साइड से भी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने कितनी प्लेट डाली है, कितना मैंने छोड़ा है। आप दोबारा करके भी वीडियो को देख के समझ सकती हैं, फिर ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने आपको बताया है। अब ये कपड़े को हम सिलाई कर देंगे, जितने कपड़े में हमारी प्लेट नहीं डलेंगे उतने कपड़े को हम पूरा बैक से लेके मतलब दोनों साइडों के सिल देंगे। पीछे दो, जैसे हमारी दो कलियां हैं, बैक आसन को सिलने के बाद यहाँ तक हमारा सिल गया। अब प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेट मैं इसमें लगभग 2.5 इंच की डाल रही हूँ, और ऐसे प्लेट के नीचे प्लेट को सेट करके बस ऐसे सिलाई लगानी है आपको। ये देखिए ऐसे आप एक साथ बहुत सारी प्लेट्स बना के और उनको एक दूसरे के साथ अटैच मतलब सेट कर लीजिए। ऐसे ऊंची नीची प्लेट नहीं होनी चाहिए, और ऐसे फटाफट हमारी प्लेटें डल जाती हैं। ये देखिए एक एक साथ आप 6-6, 7-7 प्लेट बना के और उनको अच्छे से सेट करके और सिल दीजिए। ध्यान रखें पूरा कपड़ा इसी में एडजस्ट करना है आपको। कपड़ा आपका ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा। तो हम दोनों साइड को सेम प्लेट डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के रखेंगे, मतलब क्योंकि हमारा एक साइड का आसन अभी सिला नहीं है। तो देखिए एक साइड को प्लेट डल गई है, अब दूसरी साइड को पहले मैंने वो सिल लिया है वो हिस्सा, तो जो मैं बता रही थी आपको, अब हम प्लेट डालना स्टार्ट कर देंगे बस। तो सेम ऐसे ही इसी में भी ऐसे ही डालनी है, 2.5 इंच की सिलते हुए जाना है और प्लेट बनाते हुए जाना है। तो ये देखिए ये भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनका आसन बना मोहर वो बनाएंगे नेफा। अब पहले एक सिलाई इसके ऊपर से भी लगा लीजिए। ध्यान रखें जो कपड़ा है नीचे का वो ऊपर की साइड उस कपड़े का मुंह होना चाहिए, नीचे की साइड नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये कपड़ा ऊपर की साइड होना चाहिए। अब हम यहाँ पे अपना नेफा बना लेंगे, पहले आसन को सिलेंगे तो 1 इंच छोड़ के और तब अपना नेफा बना लेंगे। यहाँ से अब इसको मोड़ देंगे 1-1 इंच के बराबर ही, पहले साइडों से सिल लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे इसको 1 इंच का, तो हमारी 8 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही सिल के, फिर हम इसकी मोहरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स डाल ली हैं, नेफा भी बन गया है, मोहरी बनाएंगे। तो अपना बॉटम वाला पार्ट लेंगे, 3 इंच हमने बुकरम की चौड़ाई ली है लंबाई में, इसके इससे 1-1 इंच ज़्यादा लेना है, मतलब 2 इंच ज़्यादा लेना है आपको मोहरी में। और बस इसको प्रेस करके चिपका लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड मोड़ के, और सीधी साइड को उल्टा करके रख लेना है आपको अपनी मोहरी को। और बस इसको अब रॉन्ग साइड को पलट के अब जो भी आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो अपने हिसाब से बना सकती हैं। तो मैं इसमें जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले हम इसको ऊपर से सिलेंगे ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, और फिर बस पहले सीधे सीधे एक छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे 1-1 इंच के, फिर उनमें हम जिगजैग वाला डिज़ाइन दे देंगे। तो दोनों मोहरियों को हमें सेम मेथड से बनाना है। तो ये देखिए अब बस इसमें हम ऐसे जिगजैग वाला डिज़ाइन बना देंगे।
अब बस इसकी फिटिंग करेंगे। तो मैं 6.5 इंच के बराबर अपनी मोहरी को तैयार रखूंगी और ऐसे तिरछा सिलाई लगाऊंगी। इससे क्या होता है, हमारी मोहरी एकदम बराबर रहती है और वो कभी भी साइडों से सलवारें आपकी खिंचेंगी नहीं, अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हो तो। इसको आसन तक ले आएंगे हम सिलाई को और फिर दूसरी मोहरी को भी हम सेम मेथड से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा दिख रहा है उसको हम थोड़ा थोड़ा कट करके फिनिशिंग दे देंगे इसमें। तो मुझे उम्मीद है, और फ्रेंड्स इसको ज़रा खींचें थोड़ा सा, और खींच के इसमें छोटे छोटे कट जरूर लगा दें, छोटे छोटे से, ज़्यादा दूरी कट नहीं, थोड़े थोड़े से, और इस पर प्रेस करके अच्छे से बिठा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार बनके रेडी है। देखिए साइडों से भी बिल्कुल नहीं खींच रही है और बैक से भी बहुत अच्छा लुक आया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप।